नमस्कार किसान भाइयों, किसान खेती ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की मैं जानकारी आपको दूंगा, तेले मच्छर से जुड़ी हुई जानकारी है किसान भाइयों। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, हम अपने चैनल पर आपको खेती से जुड़ी ही जानकारी और खेत में ही बैठकर जो खेत में ही प्रयोग करते हैं किसान भाइयों, रिजल्ट कैसा मिलता है और किस चीज़ को आप ले सकते हैं, किसके आपसे पैसा आपका बच सकता है, उसकी जानकारी आपको उपलब्ध करवाते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, ये देखिए, ये तेले का ये खेत है और इसमें तेले का प्रकोप बढ़ चुका है। तो किसान भाइयों, तेले का सबसे पहला प्रकोप आपका, अगर आपकी फसल पेड़ों के नीचे है, सड़क के किनारे हैं, क्योंकि सड़कों किनारे पेड़ लगे होते हैं, तो पेड़ों को, या आपके खेत में पेड़ लगे हैं तो पेड़ों से के किनारों से ही यह बीमारी चलती है, तेले का प्रकोप होता है। तो किसान भाइयों, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा आज पाइमेट्राजिन का प्रयोग करें आप, कितने दिन की फसल पर करना है, कितने दिन तक असर रहता है, कीमत क्या है, मात्रा कितनी है और कितना सब प्रयोग करना है, इतने दिन तक रिजल्ट रहेगा, आपको सब बताऊंगा किसान भाइयों। तो चलो किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों, यह तेले का जब प्रकोप हो जाता है तो उस पर किसान भाइयों, हम कई तरह के इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं, तो किसान भाइयों, लेकिन इस पर काम नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों, इसमें पाइमेट्राजिन 50% आता है किसान भाइयों, WG, ये आप देख सकते हैं किसान भाइयों, ये मेगा किल नाम से है और आप इसको सिजेंटा में आप चेस के नाम से जानते हैं, उसके अंदर भी किसान भाई ये होता है। सिजेंटा का थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन किसान भाइयों, ये दानुका का भी आता है अप्लाई के नाम से, कई तरह की कंपनियों में आता है किसान भाइयों। और तेल मैं इसका आपको बताऊँगा कितनी मात्रा आपने इसकी डालनी है, पहले मैं आपको खेत दिखा देता हूँ प्रकोप। तो किसान भाइयों, प्रकोप कितना बड़ा हुआ है। तो किसान भाइयों, यह कैसे काम करता है किसान भाइयों, जैसे कि किसान भाइयों, सबसे पहले हम इसकी काम की बात करते हैं। तो किसान भाइयों, यह तेला मच्छर के पैरों, जब सबसे पहले किसान भाइयों, जब इसके पौधे के ऊपर इसका स्प्रे किया जाता है तो यह अंतर प्रवाही होता है किसान भाइयों, पौधे के ऊपर से लेकर नीचे तक अपना फैल जाता है किसान भाइयों। और जब इसके तेला मच्छर इसके संपर्क में आता है तो किसान भाइयों, उसके पाँव पर अटैक हो जाता है, और जब वो इसको काटने की कोशिश करता है, रस चूसने की कोशिश करता है, तो उसके मुंह पर भी ताला लग जाता है, आप देखते होंगे वीडियो में आपको दिखाया जाता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, और इसका असर कितने दिन तक रहता है, किसान भाइयों, कंपनियां बोलती हैं कि इसका असर 45 से 50 दिन तक रहता है, लेकिन किसान भाइयों, इसका असर 15 से 20 दिन तक ही रह पाता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, यहाँ बरसात में काम कर पाता है या नहीं। अगर किसान भाइयों, 2 घंटे तक बरसात हो जाए स्प्रे करने के बाद, तो इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, इसको सिर्फ 2 घंटे मिलने चाहिए, 2 घंटे के बाद चाहे बरसात हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसकी मात्रा किसान भाइयों, आप 120 ग्राम पर एकड़ में डाल सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर इसको आपने प्रयोग कर लिया तो आपको खेत में और किसी और संप्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसान भाइयों। यह पाइमेट्राजिन बहुत ही ज़बरदस्त तेले पर इसका असर है किसान भाइयों, तो आप भी किसान भाइयों अपने खेत में इसका प्रयोग कर सकते हैं, 120 ग्राम पर एकड़ में डाल सकते हैं किसान भाइयों। अगर आप में तेले का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा आप 130 ग्राम डाल सकते हैं किसान भाइयों। और लेकिन किसान भाइयों, आपने एक बात ध्यान रखनी है, इसका प्रयोग हमेशा सुबह ठंड के ठंडे मौसम में करना चाहिए या शाम को ठंडे मौसम में करना चाहिए, क्योंकि यह थोड़ा तेज़ होता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, मैंने आपको उसकी बताया कि इसकी मात्रा 120 ग्राम लेनी है आपने, और किसान भाइयों, 120 ग्राम पर एकड़ में आप प्रयोग करें और किसी भी कंपनी का ले सकते हैं किसान भाइयों। आपने ये सिर्फ पाइमेट्राजिन 50% WG देखना है किसान भाइयों, किसी भी कंपनी में आप ले सकते हैं इसको। तो किसान भाइयों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खेती से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती रहेगी किसान भाइयों। धन्यवाद।